जो ऊपर होता है। अच्छा हाँ, तो भाई जो ये शिवलिंग निकला है, ताई जी का कहना है कि वे धरती से निकला, इसी धरती से निकला, सूर्य धरती थी। क्या नाम ताई जी आपका? दर्शना। दर्शना, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त कैथल जिले का जो गांव सिरसल, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लग रही थी लगातार आज पूरे दिन से, कि भी धरती फाड़ करके शिवजी महाराज के मतलब तो मूर्ति निकली है, शिवलिंग निकला है। ताई जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक सो? हाँ ठीक ठाक। कहाँ जी जो धरती फाड़ के शिवलिंग निकला है? वो कच्ची धरती में। अच्छा दिखा दो एक बार, आज एक मिनट जो शिवलिंग निकला है, ये निकला है। आहो, यू लिख रहा है। ये देख लो भाई, है जी बाबा दर कजा रहे हैं। ये ईंट है। हां बस ठाणी को नहीं, पीछे हो जाओ भाई बच्चों एक बार। तो भाई जो ये देखो तो मेरे ऊपर होता है। अच्छा हां, तो भाई जो ये शिवलिंग निकला है, ताई जी का कहना है कि वे धरती से निकला, इसी धरती से निकला, सूर्य धरती थी। क्या नाम ताई जी आपका? दर्शना। दर्शना, तो कैसे क्या निकले यहाँ की, उसकी खुदाई करने लग रहे थे आप? जैसे ये यहाँ से खुदाई नहीं जी, ये तो बस न्यू मट्टी से इस तरह मुस्सा उठाए कर। अच्छा हाँ, बस उसके से आपदा लग गया फेरा। हाँ बस वो कौन फेरा था। अच्छा, कब जैसे आपने दिखाई दिया कि भाई ये शिवलिंग निकला यहाँ से? बाहर न बार को। अच्छा, 12 बजे से। 12 बजे इसने आज आज मंगलवार है। हाँ, तो फिर तीन ये दिन हो गए। हाँ जी, तीन दिन हो गए। तीन दिन हो गए। तो पूरा ये ले बाबा एक आईडी है ना, मंदिर मंदिर दे। अच्छा हाँ, बस नहीं और कुछ नहीं है बस इसमें। अच्छा, पहले शुरू में किसने देखा था सबसे पहले इसकी? मैंने देखा था, किसी ने देखा। हाँ बस। कितना दिखाई दिया था शुरू में ये? ऊपर की टोपी सी। ऊपर की टोपी, तो फिर उसके बाद बस ये इतने दिखाया दे, थोड़ा सा तड़न हुआ बस। अच्छा, तो भाई देख लो एक बार जो ये शिवलिंग है यहाँ पर, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। परिवार वालों का कहना है कि भाई धरती फाड़ करके ये बाहर निकला है, अभी एक बाबा जी आए थे, बाबा जी ने इसको वहाँ से निकाल दिया है। लेकिन काफ़ी लोगों का जैसे कहना भी है कि भाई ये खुद परिवार ने ही यहाँ पर दबा दिया होगा इसको, आप लोगों ने ही दबा दिया होगा जिसको। आप लोग न्यू क्या किसी भी लोगों दब दे फिरेंगे? हाँ जी, असी भी लोगों दब दे फिरेंगे। और रुपये कौन दबे हमने? कैसे निकल गया ये शिवलिंग? माना नहीं, मेरे कुकर लिखड़ा तो भगवान जाना। अच्छा, कई शिवलिंग जाना, झूठ तो नहीं है ये? नाम तो झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता भाई। भाई से, हाँ जी भाई, राम राम भाई। कुछ नहीं ऐसा, ठीक है जी। मिट्टी के अंदर पुराना शिवलिंग था, इन्हें दबाया होगा, ठीक है, वो निकल गया। क्या नाम? कोई नहीं बड़े भाई, ये पता क्या, मेरी सुनो, मेरी सुनो, बेइज्जती के समाधान के लिए आए हैं, जो पाखंड फैलाया जा रहा है ना। मैंने बेकायदा फोन कर दिया, ठीक है, अरे भाई थम भैया ना डालो। अरे भाई सुनो तो अगले एक बार है, सुनोगे भाई। उस वीडियो ने देख कर ना लोगों के अंदर गलतफहमी फैलेगी। अब यही बता रही हैं कि भाई जो शिवलिंग निकला है या दबा गया है, इसी की सच्चाई के लिए हमारी टीम भी यहाँ पर। भाई सब ऐसा, भाई सब ये कुछ नहीं है भाई, दो मिनट करो भाई सब, ठीक है। भाई इसे डालो यूट्यूब पे भाई, तो ना बिल्कुल नहीं डालो भाई, बिल्कुल भी ना 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 ना। अरे सुन तो ले फिर एक बार, रुक तो पहले पूरी बात कंप्लीट तो होने दे। जो वीडियो डल रही है नी, जो चैनल पे है, उसने देख कर और भी यहाँ आवाज़। मैंने सारे चैनल फोन कर कह दिया भाई, ठीक है ठीक है। और थम भी भाई अपने, क्या नहीं छोड़, सुन तो ले एक बार, क्या नाम आपका? विक्रम भाई। क्या नहीं छोड़ निकला इसका? भाई कुछ नहीं था भाई, ठीक है, अपना कोई मिट्टी के अंदर ही ना बराबर कराया होगा, कोई सी आ गया होगा, बस बात खत्म है इसकी। अरे भाई पाखंड ना बढ़ावन दे, सनातन संस्कृति ने बदनाम ना करो भाई। बिल्कुल, देखो भाई, भाई का ना बहुत अच्छी बात कही है। क्या नाम भाई? विक्रम भाई। विक्रम नाम है। और भाई यह जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर, यह इतनी वायरल होने लग रही थी कि भाई धरती फाड़ करके शिवलिंग निकला है, और उसी की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी। भाई गाँव वाले ऐसे भी इकट्ठा हो रहे, गाँव वालों का यही कहना है कि भाई हमारे गाँव में इस प्रकार से कोई ये पाखंड मत फैलाया जाए, जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो वीडियो है वायरल की जा रही है। भाई जिस भी चैनल ने मान ले जो डाली है, या तो अपना जो कैप्शन वगैरह है वो चेंज कर ले, लेकिन सच्चाई तो यह है ताई जी, इस प्रकार से भ्रमित मत किया करो। भाई मान ले आप कह रहे हो कि भाई यहीं से हमारा हमने यहाँ से देखा है, फिर ऐसे निकला है, देखो झूठ पड़ोसी पता क्या भराव कराया था, ठीक है, मिट्टी भराव कराने के बाद ये मिट्टी में आ गया होगा, ठीक है, और इन अपने पानी पूनी डाले होगा तो ये चीज होगी होगी, ठीक है, ये हो गया भाई सब। इसको हम जोड़ के रिक्वेस्ट है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जाए, ठीक है। कई बार षड्यंत्र के तहत क्या होता है, पाखंड को फैलाने के लिए जानबूझ करके झूठ परोसी जाती है। मान गया मैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप बता रहे हैं कि इस प्रकार का पाखंड नहीं फैलना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यही संदेश है कि बिल्कुल इस प्रकार से भाई झूठ मत फैली जाए, क्योंकि भाई इस प्रकार से शिवलिंग, क्योंकि जो ये शिवलिंग, मैं एक बार अटके बेटा मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये शिवलिंग है भाई, ये नया शिवलिंग है,
कोई भी देख करके इसको ये बता देगा कि भाई नया शिवलिंग है, कोई ये नहीं कि भाई 200-400 साल पुराना ये शिवलिंग यहाँ पर दबा दिया फिर उसके बाद ये शिवलिंग यहाँ से निकल गया। ये क्या होता है कई बार, चल मान ली इस परिवार ने भी नहीं पता होगा, मान ली यहीं पर जो इनका कच्चा आंगन है ये यहाँ पर ये साल दो साल पहले 6 महीना पहले दब गया हो, उसके बावजूद ऐसे विक्रम भाई ऐसा हो सकता है उसके बाद ये अब निकला हो। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन इसके पीछे कोई यह नहीं है भाई, कभी आप ये मान जो कि भाई 1000 साल पुराना या 500 साल पुराना कोई इसमें अद्भुत शक्ति है यहाँ पर भाई को मतलब बड़ा षड्यंत्र या बड़ी को झूठ बोल करके मतलब यहाँ पर भ्रमित नहीं किया जा सकता, क्यों जी विक्रम भाई? बिल्कुल, मैन उद्देश्य तो यह है, सीधे बोले आदमी है भाई यहाँ, ठीक है। इन्हें तो देखे ये चीज अपना एकदम अचानक अजीब लगी, ठीक है। एक दो भाई ने वीडियो बनाई, किसी ने फोन कर दिया मीडिया पर, ठीक है भाई सभी तो रिक्वेस्ट है इस चीज ना भाई सब बंद कर दियो, ठीक है। चलो भाई जितने भी यूट्यूब वाले साथी हैं भाई, जो पहले वाली जो वीडियो देख करके यदि कोई ये सोचे भाई सिरसलगाम है नी कैथल जिले का जो सिरसलगाम है, ये सोचे कि भाई इस प्रकार से धरती फाड़ करके जो तस्वीर जो शिवलिंग निकला है कि भाई हम खबर बनाने के लिए वहाँ पर आएंगे, भाई देखो इस प्रकार हम भी पाखंड का विरोध करते हैं भाई, इस प्रकार का जो पाखंड है ये नहीं फैलाना चाहिए। वैसे भी हमारे हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर इस प्रकार से बहुत लोगों को भ्रमित किया जाता है भाई, कहीं पर किसी की तस्वीर निकाल दी जाती है, कहीं पर शिवलिंग कहीं से निकाल दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है भाई। प्राचीन काल में जो हमारी जो तस्वीरें होती हैं अलग अलग तरीके से जो खुदाई की जाती है उस टाइम पर अलग बातें होती है, लेकिन ये तो लगभग शायद 1 फुट का भी गड्ढा नहीं होगा, शायद 1 फुट का भी नहीं होगा, ठीक है भाई साहब, 1 फुट का गड्ढा नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऊपर भाई नहीं का परिवार भाई किसी बच्चे ने मिट्टी में खेलते हुए या किसी बच्चे ने दबा दिया होगा उस टाइम पर, तो उसके बाद ये निकला होगा, यही बात होगी भाई, यही बात है भाई, यही बात है, बालकंद भाई हो किसी ना इवली गड़े होगा। ज्यादा समय लेते हुए भाई अपनी वाणी को विराम देंगे, बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, भाई जी ये मिट्टी नीचे बैठी होगी भाई, ये बैठ भी देख ले नीचे बैठ रही मिट्टी, उसकी वजह से ऊपर आ गया ये, ठीक है ना। चलो ठीक है ताई जी, अभी कोई वो नहीं है भाई किसी प्रकार ऐसे, ठीक है तुम इसी रील ना काटो, ठीक है मेरा टेंशन बहुत बुंदी बड़ी, इसना काटो जो भाई, कोई टेंशन ना ले आप बोले बाले हो, आपका भी कसूर नहीं है, आप ये मत मानना भाई अगर आपकी वजह से ऐसा होगा, लेकिन ये तो बोल अभी बोल आई जुगर मेरा गला पड़ रहा, ठीक पड़ रहा, अच्छा बस अब ठीक हो, हम इना मीडिया ना काटो, बोला तो मेरा गला पड़ रहा जुगर पड़ रहा, सीरियस 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 ना, एक मिनट की जिस तरह बोला मेरा गला पड़ रहा, मन नहीं पता मैं अपना पता पंडा छटाऊ, तुम बंद करो के पड़ रहा था इनू इबे पर मित ना करो, सच्चा पता मेरी सुनो एक बार, तो सुनो क्या है, मैं इतनी दूर से स्पेशल मैंने वीडियो देखी, ये देखा भाई झूठ बोली जा रही है, पाखंड फैला जा रहा है, क्या होता है इस प्रकार की झूठ बोलने से काफी लोग भ्रमित होते हैं, दूर दूर से आएंगे देखने के लिए भाई शिवलिंग निकला है या नहीं निकला है, तो उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचती है, ठीक है, ठीक है बेटा कर दो ना खत्म करो, हाँ बस बात, चलो ठीक है भाई। तो फिलहाल वीडियो आपने देख लिया कैथल जिले का जो सिरसलगाँव है यहाँ पर हमारी टीम पहुंची थी, तो फिलहाल भाई जो ये शिवलिंग निकलने की जो यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन गांव के जो मौजूद व्यक्ति है जो भाई नौजवान जो लड़के इस गांव के, उनका कहना है कि भाई अजय भाई ये मिट्टी में वैसे दबा दिया और वैसे ही निकाल दिया होगा, हमारे जो गाँव का नाम है वो इस प्रकार से पाखंड में बदनाम मत किया जाए, क्योंकि भाई हमारे गाँव की मान सम्मान की बात है। तो भाई और भी जितने भी सोशल मीडिया पर जो साथी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई इस प्रकार का जो पाखंड है वो मत फैलाए, उसकी जो असल चाहिए वो जरूर दिखा करो कि भाई मतलब काफ़ी साथियों ने भी ये लिख दिया भाई धरती फाड़ करके जैसे शिवलिंग निकल गया, इस प्रकार की भ्रमित बातें कही, काफ़ी जो लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं वो लोग दूर दूर से यहाँ पर आएंगे, इस प्रकार आप कोई भी जो वीडियो है वीडियो की जो सच्चाई है बाद में वो जरूर डालें, क्योंकि भ्रमित करने वाली जो वीडियो है बाद में कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, लोगों की जो भावनाएं उनके साथ में ठेस पहुँचे, ताई जी भी इसके बाद में ताई जी को पछतावा है कि भाई इस प्रकार से भ्रमित न किया जाए, क्यों जी ताई जी, हाँ जी ताई जी ये पछतावा है इस बात का, वे लोग ना आए ना कोई नहीं है। तो भाई जो गांव के ही जो युवा साथी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जो सच्चाई है, देखो भाई सच्चाई सच्चाई होती है और जड़ और चेतन में भी फर्क होता है भाई, और जिस प्रकार से भाई ये फैलाया गया पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर कि भाई सिरसल जो गांव है यहाँ पर जो शिवलिंग निकला है उसी की जो सच्चाई की जो तय है
उस तक जानने के लिए ये हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी। गांव के नौजवान युवा इसी गांव के इसी मुद्दे को लेकर के जो असल सच्चाई है वो आपके सामने बताएंगे। भाई जी राम राम। राम राम। क्या नाम भाई जी? अनिकेत। अनिकेत क्या कहना चाहेंगे जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आज पूरे दिन वायरल हुई थी आपके गाँव की? भाई मैं भी सिरसे लगा हूँ, बहुत ही वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पर भी हो रही, और ऐसा कुछ नहीं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और क्या नाम, मैं भी पड़ोसी है आराम ना, सब मेरा सच्चाई का मेरा हर चीज का मेरा, तो जो भी भावना नहीं उन्हें ऐसे ही रखा, और ना कोई अपना टाइम वेस्ट करा ना आवा ने कोई कुछ करा। और A1 चैनल आया तो सब तो पहले उन्हें मैं कहना चाहूँ भी मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करा, वीडियो पर जो सच्चाई है वह बतावा। और साइंस फिक्शन का देश है और आप आगे बढ़ रहे, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया और इस चीज़ जाके भरवाएंगे तो 4 भी नहीं आना था। बिल्कुल भाई, देखो टेक्नोलॉजी और विज्ञान और साइंस में हमारा देश है विश्व में लगभग प्रथम स्थान पर आया, क्योंकि जिस साइड पर चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 उतरा है वहाँ पर कोई देश अभी तक नहीं पहुँचा था। यानी कि भाई हमारा देश तो चांद बजा लिया साइंस और विज्ञान को मानते हुए, लेकिन आप यदि इस प्रकार के पाखंडवाद में आप घुसेंगे तो भाई कहीं ना कहीं आप भी मानसिक तौर पर इस पाखंड के गुलाम हो जाएंगे, और गुलामी की जो जंजीरें हैं आपने ये तोड़ करके साइंस और विज्ञान के लिए यानी कुछ काम करना, पढ़ना लिखना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। क्यों भाई जी? बिल्कुल भाई साहब, भाई साहब सभी मीडियाकार बंदों से हमारी यही गुजारिश है भाई, ये नकली था सब कुछ, ठीक है, और कोई भी भाई यहाँ आके अपना समय खराब ना करे, ठीक है, और सनातन संस्कृति को बनाए रखे, ठीक है। चलो भाई, मेन उद्देश्य यही है भाइयों का, भाई निवेदन है सोशल मीडिया के और जो साथी है वो भी वीडियो देखकर कहीं ये सोचेंगे भाई हम भी आए वीडियो बनाए, इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडे पाखंड है उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ग्राउंड मीडिया की तरफ से भाई इस बात का हम खंडन करते हैं कि भाई जो यह षड्यंत्र के तहत जो सोशल मीडिया पर दिखाया गया हाहा बनाया गया, इस प्रकार से मत बनाइएगा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंदर के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।